टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईडी और एनआईडी की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया है। लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी सांसद मलुक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री केरल आते हैं तो वह केरल की प्रशंसा करते हैं, जब वह उत्तर भारत में होते हैं तो वह दक्षिण भारत की आलोचना करते हैं। खासकर दक्षिण भारत में बीजेपी का मिशन इंडिया काम नहीं करने वाला है। गैंगटोक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद की सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देती हूँ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने एक आतंकी को मार गिरा है। पुलिस व सेना ने इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान चला रही है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के धुले और जालना लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। धुले से शोभा दिनेश बछाव को टिकट दिया गया है, जबकि जालना सीट से कल्याण काले उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महायुति में नासिक लोकसभा सीट अजीत पवार गुट की एनसीपी को मिलेगी, जबकि ठाणे लोकसभा सीट बीजेपी ने मांगी है। शिवसेना इस बात से नाराज है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के वाड़की गांव में बुधवार को देर रात एक खंडर कुएं यानी बायोगैस चेंबर में गिरी एक बिल्ली को बचाते हुए 5 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के धुले और जालना लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कुल 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने संदेह जताया है कि नाना पटोले की कार का एक्सीडेंट साजिश भी हो सकती है, कोई उन्हें मारना चाहता है। इस पर चुनाव आयोग से जांच की मांग की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का दावा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग बंटवारा सभी पार्टी के आलाकमान की सहमति से हुआ है, ऐसे में एमवीए में फूट जैसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने जा रही है। मुंबई के विरार में एक आवासीय टाउनशिप के भीतर एक निजी सीवेज उपचार संयंत्र की सफाई करते समय कथित तौर पर जहरीली गैसों की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में दक्षिण मध्य मुंबई की सीट उद्धव गुट के शिवसेना के हिस्से में गई है। इस बात को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार नितिन गडकरी और रामटेक लोकसभा उम्मीदवार राजू पारवे के समर्थन में चुनावी सभा में कहा कि इन नेता झूठ फैला रहे हैं कि अगर मोदी सरकार में लौटे तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में प्रेम प्रसंग के मामले में भड़के आशिक ने गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश की। अजय देवगन की मैदान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, अब ये फिल्म कानूनी पछड़े में फंस गई है, जिसके बाद मैसूर कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक के आदेश जारी कर दी है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म कल्कि डोआत 9-8-80 लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म को लेकर आए दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, ऐसे में फिल्म को लेकर 2 बड़ी जानकारी सामने आई है। फिल्म के रिलीज डेट में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है। देशभर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लगभग सभी प्रमुख बाजारों और एक्सचेंजों में आज छुट्टी की गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।